बिसमर सल्ह महमदिन सल् वसल्लम वेलकम टू बायोलिश वर्ल्ड जी व्यूअर्स ग्रेड फोर इंग्लिश ग्रेड फोर सिंगल नेशनल करिकुलम में हम लोगों ने यूनिट सिक्स जो वैल्यूइंग अदर्स दूसरों की कदर करना दूसरों को अहमियत देने पर था उसकी हम लोगों ने ट्रांसलेशन की उसके प्री रीडिंग क्वेश्चंस, वाइल रीडिंग क्वेश्चन और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए आज हम यूनिट सिक्स की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और इस एक्सरसाइज के बाद व्यूवर्स एक रिव्यू एक्सरसाइज है रिव्यू टू वो भी आज हम लोग इसी लेक्चर में कर लेंगे तो आपने लेक्चर को शुरू से अख्ताम तक देखना है ठीक है जी इसमें बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो आपको बच्चों सीखने को मिलेंगी और ट्रांसलेशन की जो वीडियो का लिंक है वो मैं इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा आप एक्सरसाइज से पहले अगर आप ट्रांसलेशन देख लेंगे तो आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो इस यूनिट से मुतल हैं आपको आसानी से समझ आएंगी तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ जी एक्सरसाइज़ में सबसे पहले है जी ओरल कम्युनिकेशन लर्निंग द साउंड हमने आवाजें सीखनी है साउंड ऑफ द अब अक्सर हम लोग गलत इसको प्रोनाउंस करते हैं बच्चों बहुत ही अहम कंसेप्ट है इसे समझिए द जो है ना ये दो तरह से प्रोनाउंस होता है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट प्रोनाउंसिंग द दी और द कहीं पर हम दोनाउंस करते हैं और कहीं पर हम द प्रोनाउंस करते हैं when the comes before a vowel sound it is pronounced as a the but when it comes before a consonant sound it is pronounced as a the द अब बच्चों जब द जो है टी एच ई ये ऐसे वर्ड से पहले आए जो वॉल साउंड दे रहा हूं तब आप क्या करेंगे इसे द प्रोनाउंस करेंगे और जब ये कॉन्सनेंट साउंड के पहले आएगा तब आप इसे द प्रोनाउंस करेंगे यहाँ पर बच्चों एक अहम बात मैं आपको समझाता चलू दफ़ा वॉल लेटर जब आता है ना तो वो वॉल साउंड की मतलब वॉल साउंड नहीं दे रहा होता जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी अब आप देख लीजिए आप द यूनिवर्सिटी कहेंगे कि यूनिवर्सिटी कहेंगे तो इस पॉइंट को जो मैंने अभी पढ़ा है इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट इसे यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी से पहले क्या है से यूनिवर्सिटी बनता है तो वो वॉल साउंड है वॉल लेटर है लेकिन बच्चों एक चीज जहन में रखिएगा वॉल साउंड का मतलब ये है जो साउंड्स अलिफ अलिफ मदा और आइन की आवाज दें वो वॉल साउंड्स कहलाते हैं अब यूनिवर्सिटी देखें ये की आवाज दे रहा है तो ये वॉल साउंड नहीं है तो इस तरीके से आपने ये देखना है कि जब भी आप द प्रोनाउंस कर रहे हों तो उससे वेरी नेक्स्ट वर्ड जो है वो अलिफ अलिफ मदा और की आवाज़ अगर देता है तो आप दी प्रोनाउंस करेंगे अदरवाइज द प्रोनाउंस करेंगे अब ये देखें दी ऑरेंज ऑरेंज देखें तो अलिफ से शुरू बनता है अगर हम इसे लिखें ना अलिफ वाओ रे नून जीन ऑरेंज तो अलिफ से शुरू हुआ है इसलिए दी ऑरेंज अब देखें ओ भी है अच्छा फिर देखें दी एप्पल्स एप्पल भी देखें तो अलिफ से बन रहा है दी अम्ब्रेलाज अब अम्ब्रेला ये यू तो है लेकिन यहां पर ये क्या है अलिफ मीम बी बे रे ये लाम अलिफ ला अम्ब्रेला तो इसीलिए ये दी अम्बरेला तो जैसे मैंने आपको कहा ना यूनिवर्सिटी तो दी यूनिवर्सिटी नहीं होगा क्योंकि वो तो ये से बन रहा है हालांकि वो भी वोल साउंड है उसके बाद देखें बच्चों दी ऑनर अब ये देखें ऑनर ये भी अलिफ से बन रहा है लिफ वून रे नर ऑनर अच्छा मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि उर्दू में जब बोले जाएँ तो किस तरह बोले जाएँ अब इधर देखें इधर द आएगा द बोटल अब बोटलेंट तो है दूसरे नंबर पर आप देखें कि बच्चो यह बे से बन रहे बे वे लाम तल बो तल, बे से द मैच इसी तरह द फायल द हाउस अच्छा अब मैं आपको बताऊं एक ऐसा वर्ड भी है जो कॉन्सुडेंट है लेकिन उसके साथ हम क्या करते हैं उसके साथ हम लोग दी लगाते हैं ये देखें अब बच्चे कहते हैं कि ये तो एज से शुरू हो रहा है इसके साथ द ऑनेस्ट होना चाहिए इसमें ना बच्चों ये एज साइलेंट है तो ये ओ बनता है दी ऑनेस्ट अच्छा फिर देखें ये देखें ये एम ए हम अगर कहे कहें कि ही इज एन एम ए ही इज दी एम ए तो ये देखें एम ए अलिफ ये और मीम से बन रहा है तो अलिफ से बनने वाले अल्फाज के साथ हम क्या करेंगे दी अलिफ अलिफ मात आ और आइन से बनेंगे तो हम डी बोलेंगे बाकियों के साथ हम द बोलेंगे तो आपको उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा आगे बढ़ते हैं जी लर्निंग टू स्पीक बच्चों रीड द प्रैक्टिस एंड गिवन डायलॉग्स इन दिए गए डायलॉग्स की हमने प्रैक्टिस करनी है दो किस्म के डायलॉग हैं बच्चों एक है जी फ्राज मे आई हेलमेट क्या मैं आपका हेलमेट ले सकता हूँ आई नीड इट फॉर टुमारोज मैच मुझे कल के मैच के लिए जरूरत है साथ कहते हैं ऑफ कोर्स बट प्लीज ट्राई टू रिटर्न इट सून लेकिन इसे वापस लौटाने में जल्दी कीजिएगा फ्रांस कहते हैं श्योर थैंक यू जी शुक्रिया अब किसी से कोई चीज लेनी हो तो हमने इस तरह में ये एक्सप्रेशन यूज करना है और जब आप दे रहे हो तो आपने प्लीज कहना है कि आप जल्दी लौटा दीजिएगा आपकी गुफ्तु बहुत मैटर करती है बच्चों अल्फाज का मखसूस चुनाव फिर असमा जी खुद यू प्लीज हेल्प मी कम्प्लीट माई न्यू पेंटिंग क्या आप मदद करेंगे मेरी इस नई पेंटिंग को मुकम्मल करने में समरा यस श्योर यकीन बट आई थिंक यू शुड फर्स्ट ट्राई इट योर सेल्फ पहले आप खुद इसे कोशिश कीजिए असमा कहती हैं यू आर राइट आपने दुर्स्त आप दुरुस्त कहती हैं आई शुड ट्राई इट एट लीस्ट वांस मुझे एक मरतबा ज़रूर कोशिश करनी चाहिए समरा कहती हैं आई एम श्योर यू कैन डू इट मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप कर सकती हैं आसमा कहती हैं थैंक यू शुक्रिया जी रीड द डायलॉग ऑन प्रीवियस पेज एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू लेट यू यूज हिज और हर स्टोरी बुक जी अपनी कहानी की जो किताब है उसे इस्तेमाल करने की इजाज़त दें ऑल्सो प्रैक्टिस सीकिंग परमिशन टू यूज़ डिफरेंट थिंग्स और फिर उनसे ये भी इजाज़त तलब करें कि मुख्तलफ चीज़ें जैसे कि स्पेयर पेंसिल फालतू पेंसिल जो है अ शार्पनर ई टी सी वगैरह ये भी दैट बिलोंग्स टू योर फ्रेंड जिसका ये जो आपके दोस्त की हैं आप उनको भी इस्तेमाल करने की इजाजत तलब करें तो प्रीवियस जो हमने बच्चों पैराग्राफ देखे हैं डायलॉग्स उनकी मदद से आप ये वाला डायलॉग करने की कोशिश कीजिए नेक्स्ट है बच्चों, रीड रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आंसर दिस क्वेश्चन इन सवाल के जवाब देने वाई वॉज साई डिड फ्राज लीव द स्कूल एक्सप्लेन इन अ फ्यू सेंटेंसिस हाउ डिड फ्राज ट्रीट साद तो इन तीनों के जवाब मुलाहिजा फरमा लीजिए क्वेश्चन नंबर है उदास क्यों बैठा था? उसने फ्राज का मजाक उड़ाया इसलिए वो उदास बैठा था वाई डिड फ्राज क्यों छोड़ा एक्सप्लेन इन सेंटें चंद जुमलों में इसकी वजाहत कीजिए स्कूल बिकॉज ऑफ सावियर और रूडनेस उसने स्कूल छोड़ा रवैये और गुस्ताखी पर ही मेड फन ऑफ फ्राज इवन ही परफॉर्म्ड वेल उसने फ्राज का मजाक उड़ाया अगरचे कि वो अच्छा बर्ताव कर रहा था अच्छा खेल रहा था हाउ डिड फ्राज ट्रीट साध साध किस तरह साध ने फ्राज के साथ फ्राज ने साध के साथ कैसा बर्ताव किया फ्राज फो फो गिव साध एंड फ्राज ने साध को मुआफ कर दिया और उसे गले लगाया

ईस आई एन जी एंड ई डी यह कुछ इंफ्लेक्शनल एंडिंग्स हैं जैसे बॉय है उसके आखिर में एस लगा दिया जाता है तो बॉयज अब ये उसकी फॉर्म चेंज हो गई वो लड़का था ये लड़के हो गए गर्ल है तो एस लगा से गर्ल्स बन गया अब उसकी फॉर्म चेंज हो गई इसी तरह ई एस का इजाफा इसी तरह आई एन जी का इजाफा इसी तरह ई डी ये सारी चीज़ें बच्चों क्या करती हैं जी उन्हें चेंज कर देती हैं अब यहां पर एग्जाम्पल्स देखें फ्राज गोज टू द लाइब्रेरी एवरी डे ये देखें फ्राज सिंगुलर है प्रेजेंट इंडेफीनेट में हम वर्ब के साथ एस और ई e एस का इजाफा लगाते हैं तो यहां पर ई e एस का इजाफा हुआ है गो की वजह से ओ की वजह से माई टीचर नेवर कम्पलेंस यहां भी प्रेजेंट इंडेफिनेट है इसलिए क्योंकि टीचर सिंगुलर है हमने इधर एस का इजाफा किया अबाउट माई बिहेवियर तो मेरे उस्ताद मोहतरम ने कभी भी शिकायत नहीं की मेरे रवैये पर फ्राज़ लिसन टू हिज़ टीचर केयरफुली अब ये ईडी डी पास्ट की अलामत है फ्राज़ अपने इसम को बड़े ही मोहतात अंदाज में सुनता था अली इज़ गोइंग टू बाई फ्रूट फ्राम द मार्केट इसके साथ आई एन जी का इजाफा हुआ अली जो है वो बाज़ार से फ्रूट ख़रीदने जा रहा है फ्राज़ एंड साड प्रैक्टिसिंग फ़ोर द फ़ाइनल मैच फ्राज़ और साथ जो है उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू की फ़ोर द फ़ाइनल मैच फ़ाइनल मैच के लिए तो राइट टू वर्ड्स विद एस ई एस ई डी एंड आई एन जी ईच एज एनजीशनल एंडिंग इन योर नोटबुक अब आपने बच्चों क्या करना है एस ई एस ई डी और आई एन जी पर मुश्तमिल दो दो अल्फाज और फिर देन यू यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसिस ऑफ योर ओन फिर अपने जुमलों में इनको इस्तेमाल करना है तो वो बच्चों जरा मुलाहिजा कीजिए ये देखें एस के ऊपर खत्म होने वाले हैं जी ही रीड्स अ बुक ये देखें रीड्स वो किताब पढ़ता है ईएस uh, पे yes, है जी राबिया टेक्स टी राबिया चाय पीती है सात कैच अ बॉल सात गेंद पकड़ता है ईडी पे देखें द दे टीचर लुकड एट मी उस्ताद ने मुझे देखा वी प्लेड अ मैच हमने मैच खेला आई पे देखें आई एम रीडिंग अ बुक मैं किताब पढ़ रहा हूँ यू आर टेकिंग एक्सरसाइज आप मशक कर रहे हो एक्सरसाइज कर रहे हो

मक्खन और मक्खी ये बच्चों जब दोनों कंपाउंड बनते हैं तो क्या बन जाता है बटरफ्लाई बन जाता है ठीक है जी इसी तरह देखें रेन और बो बारिश और बो मिलकर क्या बनता है रेनबो अब ये एक नई चीज है तो यही चीज हमने सीखनी है ये बेसिकली बच्चों क्या होता है आ, वो बढ़ाने के लिए यह तरीका कार का जाता था और किया जाता है कि दो मुख्तलिफ चीजों को मिलाकर एक नई चीज बना दी जाए जी लुक एट द पिक्चर बिलो इस तस्वीर को देखें सर्कल द थिंग्स दैट आर दैटन एज कंपाउंड वर्ड्स अब हमने क्या करना है इसमें चीजों को सर्कल करना है जो कंपाउंड वर्ड से मिलकर बनती हैं राइट डाउन डाउन देयर नेम्स एंड ब्रेक देम वर्ड्स दे आर मेड ऑफ फिर हमने क्या करना है जी उनके नाम लिखने और फिर बनाना है कि किस तरीके से वो कंपाउंड नाउन बने वन हैज बीन डन फॉर यू अब इसमें देखें तो बच्चों ये सन है ये देखें और ये सन प्लस फ्लावर इस तरह बनाए अब हमने मजीद देखना है ये देखें ये फुटबॉल फुट प्लस बॉल फिर देखें कप केक जो बना हुआ है कप केक उसके बाद ये है जी लेडी बग ये मैंने इन्हें सर्कल भी किया हुआ है लेडी प्लस बग और फिर ये देखें ये पड़ी हुई हैं जी स्ट्रॉबेरीज, तो स्ट्रॉ और बेरी इससे बना स्ट्रॉबेरीज। अच्छा जी रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स अब इस सबक को हमने दोबारा पढ़ना है अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये आप इन ब्लैंक्स को फिल कर लेंगे रेहान इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ किसका था जी बेस्ट फ्रेंड साद का limped with walk, while walking. जी लंगड़ाता था जी. फ्राज वॉज सिलेक्टेड एज विकेट कीपर ऑफ टीम विकेट कीपर सिलेक्ट हुआ था बैड बिहेवियर ठीक हो गया बच्चों बैड बिहेवियर पर उसने क्या किया माजरत की जी बच्चों नेक्स्ट है जी मैच द सिंबल्स इन सिंबल्स को हमने क्या करना है जी मिलाना है uh, सबसे पहले ये देख लें जी. अब ये क्या है जी फैसिलिटीज फॉर द विजुअल जो सही तरह नजर जिनको नहीं आता उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये सिंबल होता है ठीक हो गया और ये देख लीजिए uh, ये इसके साथ मैच होगा ये इसके साथ होगा फैसिलिटीज फॉर द हार्ड ऑफ हेयरिंग जो आसानी से नहीं सुन सकते उनके लिए तो ये सिंबल होता है अच्छा जी रैम्प एक्सेस तो ये ये देखें ये नीचे आप देखें ना ये रैम्प है उसके ऊपर ले जाने का ये तरीका है तो ये अलामत होती है रैम्प एक्सेस की और ये है जी एक्सेबल टॉयलेट इसका मतलब ये है कि टॉयलेट ले जाने के लिए ये रास्ता इख्तियार करें ठीक हो गया तो ये हमने मैच करने थे अब है जी बच्चों नेक्स्ट एनालिटिकल रीडिंग रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी डिफरेंट एबल पर्सन ऑन द इंटरनेट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ फाइव क्वालिटीज़ ही शी हैज़ तो बच्चों अब यहाँ पर आपने क्या करना है इंटरनेट सर्फिंग करनी है यानी इंटरनेट पर आपने सर्च करना है कोई ऐसा इंसान जो कि डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हो और उसके बारे में आपने क्या करना है जी उसकी पाँच खसूसियात बयान करनी जस्ट लाइक like स्टीफन हॉकिंग हैं उनको आप सर्च करें उनके बारे में बयान करें कि वो कितनी उम्र में एबल पर्सन बन गए थे उन्होंने किताबें लिखी ठीक है जी उन्होंने बहुत सारा ब्लैक होल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी और उन्हें प्राइजेज़ मिले ये सारी उनकी क्वालिटीज़ आप लिख सकते हैं इसी तरह कोई और जिन जैसे पैरा ओलंपिक्स हैं उनमें कोई पाकिस्तान की तरफ से जो नुमाइंदगी करते थे जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया हो उनके बारे में आप क्वालिटीज़ लिख लें मतलब आप नेट से सर्च करें आपको बेतहाशा क्वालिटीज़ मिलेंगी उन्हें आपने देख कर राइड डाउन कर लेना है ठीक हो गया नेक्स्ट है जी लैंग्वेज फोकस इसमें बच्चों वो कैबरी बिल्डिंग की तरफ जाना है हमने रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स दिए गए अल्फाज को मायनी के मुताबिक देखना है uh, गमगीन जिसका मीनिंग इंग्लिश में है सैड उदास गिल्टी कसूरवार इसका मीनिंग इंग्लिश में है फीलिंग अशेम्ब जैसे शर्मिंदगी महसूस करना रूड गैर मुहजब बोलते हैं बच्चों इसका इंग्लिश मीनिंग है जी शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट जी इज्जत में कमी दिखाना डिप्रेस्ड ना खुश अनहैप्पी ना खुश डिस्पोंडेंट ना खुश अपोलोजाइज बच्चों मौफिक मांगना और इसका इंग्लिश मीनिंग है टू से सॉरी किसी से माजरत करना अब बच्चों कंपाउंड वर्ड्स की एक एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं थिंक अबाउट द राइट फोर कंपाउंड वर्ड्स चार कंपाउंड वर्ड्स के बारे में सोचना है देन ब्रेक देम डाउन इन टू इंडिविजुअल वर्ड्स दे आर मेड ऑफ तो अब ये देखें मैंने ब्लैक बोर्ड ये देखें ब्लैक प्लस बोर्ड इसी तरह पोस्टमैन पोस्ट प्लस मैन हाउस वाइफ हाउस और वाइफ और बेडरूम बेड प्लस रूम तो ये मैंने चार वर्ड्स देखे हैं बच्चों आप भी मजीद कोई और वर्ड्स भी बना सकते हैं बहुत सारे अल्फाज हैं नेक्स्ट है बच्चों लर्निंग टू स्पेल स्पेलिंग सीखने जी फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड अब यहां पर डिप्रेस एस के इजाफा करने से ये डिप्रेस वर्ड ठीक हो गया इसी तरह लिंप लंगड़ाना गिल्टी टी वाई मुजरिम जो होता है खताकार तरह गले लगाना यू का इसमें मिसिंग थी और, में, को हमने और उसमें नाउन को देखना है अच्छा इधर देख लीजिए जी कॉमन नाउन किसे कहते हैं ग्रीन कलर में है आर द नेम्स ऑफ पीपल लोगों के नाम प्लेसेस जगहों के नाम एनिमल्स जानवरों के नाम थिंग्स चीजों के नाम इन जनरल अमूमी तौर पर आमतौर पर फॉर एग्जाम्पल बुक कोई भी किताब हो सकती है कैट कोई भी बिल्ली कोई भी वुमन कोई भी खातून ई वगैरह प्रॉपर नाउंस ये रेड में आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर एनिमल्स और थिंग्स खास शख्स खास चीज खास जगह खास जानवर का नाम दे ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं और एग्जाम्पल्स फॉर एग्जाम्पल आजम लाहौर ए टी सी अब देखें वी स्पेंड लास्ट वीक इन नथिया गली नथिया गली ग्रीन में है तो क्या हुआ कॉमन नाउ हमने गुजशत हफ्ता नतिया गली में गुजारा वी विजिटेड द मुकेशपुरी टॉप हम मुकेशपुरी टॉप पर गए एंड मतलब चोटी पर एंड नेशनल पार्क और नेशनल पार्क गए ये ग्रीन कलर में आ रहा है मतलब कॉमन नाउन है इट इट वॉज माई फर्स्ट विजिट टू हिल स्टेशन अच्छा यहाँ पर ना इनसे गलती हो गई है ग्रीन जो थे ना ये कॉमन नहीं बल्कि प्रॉपर नाउन है नतिया गली नेशनल पार्क मुकेशपुरी टॉप और ये हिल स्टेशन ये है कॉमन नाउन है उन्होंने उसे रेड में कर दिया है और प्रॉपर जो थे उन्हें ग्रीन में कर दिया है तो यहां पर आप उसे चेंज कर लीजिए कि ये ग्रीन वाले जो इधर हैं वो कॉमन है प्रॉपर है और रेड वाले कॉमन है तो हिल स्टेशन बच्चों कॉमन नाउन एंड आई एंजॉय इट अलाट बहुत ज्यादा हम दुतफंदोज हुए ड्यूरिंग दीज हॉलीडेज इन छुट्टियों के दौरान आई डोंट अलाट ऑफ थिंग्स लाइक हाइकिंग हाइकिंग की माउंट क्लाइंबिंग एंड कैंपिंग कैंपिंग वगैरह की आई ऑल्सो लर्न हॉर्स राइडिंग हॉर्स इसमें कॉमन नाउन है आई एम वेरी गुड एट क्रिकेट क्रिकेट जो है ये भी कॉमन नाउन है बट आई लाइक हॉर्स राइडिंग मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा हूं लेकिन मुझे घुड़सवारी बहुत अच्छी लगती है जी रीड फॉलोइ टेक्स टेक्स्ट केयरफुली मोहतात अंदाज में हमने इस टेक्स्ट को इबारत को पढ़ना है फाइंड थ्री कॉमन एंड एंड प्रॉपर नाउंस ईच राइट देम इन द करेक्ट कॉलम्स इसमें से तीन कॉमन नाउन और तीन प्रॉपर नाउन हमने निकालने हैं और बच्चों हमने क्या करना है इस कॉलम्स में लिखने हैं अब हेलन कैलर ये बच्चों नाम है प्रॉपर नाउन हो गया ये देखें हेलन कैलर मैंने प्रॉपर नाउन लिखा वो बोथ ब्लाइंड एंड डेफ ये आ, इन्हें नजर भी नहीं आता था और ये सुन भी नहीं सकती थी ब्लाइंड कहते हैं आंखों से अंधा डेफ कहते हैं कानों से बहरा होना बट शी बिकेम अ रोल मॉडल फॉर मिलियंस ऑफ पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों के लिए वो एक मिसाली नमूना बन गई एन सोविन ये एन सोविन ये फिर प्रॉपर नाउन है हर टीचर उनकी उस्तानी थी हु ऑल्सो पार्शली ब्लाइंड वो भी जुज्वी मतलब उन्हें कम नजर आता था हेल्प हेलन उन्होंने हेलन की मदद की टू अचीव हर गोल्स उसके Uh, मकासिद को हासिल करने के लिए इन लाइफ जिंदगी में शी टॉट हेलन टू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड अराउंड हर उन्होंने हेलन को सिखाया कि वो किस तरीके से इस दुनिया को वर्ल्ड बच्चों ये एक कॉमन नाम है तो मैंने इधर कॉमन नॉम में लिख दिया जी uh, जो उसके इर्द गिर्द दुनिया में क्या हो रहा है उन्होंने उन्हें सिखाया शी वेंट ऑन टू एक्वायर एजुकेशन एंड बिकेम एन इम्पोर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव फॉर द ब्लाइंड एंड द डेफ तो वो उन्होंने क्या किया उन्हें कहा उन्हें तालीम दी कि वो एक अहम नुमाइंदा बन जाए अंधे और बहरे लोगों का एंड टॉट हेलन टू रीड एंड राइट इन ब्रेल ब्रेल बच्चों ये उभरे हुए अल्फाज होते हैं जो नाबी लोगों के लिए मतलब पढ़ने का बायस होता है कि वो नाबीना लोग जो हैं उसके ऊपर ऐसे हाथ फेर कर समझ जाते हैं कि क्या वर्ड लिखा हुआ है तो ये भी प्रॉपर नाउन है इसे मैंने प्रॉपर नाउन के पोर्शन में लिख दिया एंड थ्रू हैंड सिग्नल एंड द डेफ ऑफ़ द डेफ म्यूट ठीक जो बहरे होते हैं जो नजर नहीं आता वो क्या करते हैं ब्रेल के जरिए बोलते हैं देखते हैं विच शी कुंडरस्टैंड बाई टच जिन्हें वो छू कर समझ सकती थी शी वॉज द फर्स्ट डेफ एंड ब्लाइंड टू अर्न अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री ये वो पहली बहरी और अंधी खातून थी मतलब बहरी और अंधी से मुराद जिन्हें ना तो सुनाई देता था जिन्हें ना तो नजर आता था टू अर्न अ बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री जिन्होंने बचलर हासिल की शी वॉज एन इंटेलिजेंट एंड सक्सेसफुल वूमे वो एक जहीन और कामयाब खातून थी शी इज नॉन फॉर हर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर पीपल विद डिस अच्छा जी ये जानी जाती हैं जी इन्होंने बहुत ही मदद की उन लोगों के लिए जो माजूरी का शिकार थे शी वॉज ऑल्सो नोमेटेड इन्हें मुंतब किया गया फॉर द नोबेल प्राइज नोबेल नोबेल पीस प्राइस इन 1953 1953 में इन्हें منتخب भी किया गया नोबेल प्राइस के लिए अमन इनाम के लिए हेलेन रोट 12 बुक्स ये बुक्स बच्चों कॉमन नाउ उन्होंने 12 किताबें लिखी एंड सेवरल आर्टिकल्स और कई आर्टिकल लिखे शी ट्रैवल्ड टू ओवर 25 कंट्रीज इन्होंने 25 ممالک की सैर की गिवन गिवन लेक्चर्स लेक्चर्स दिए मोटिवेशनल जो के मोटिवेशन uh, देते थे मोटिवेशनल स्पीचेस तकरीर थी अबाउट द चैलेंजेस फेस बाय द पीपल जो बहरे लोगों को सामना करना पड़ता तो है तो इनमें बच्चों वर्ड बुक्स और वुमेन जो हैं ये कॉमन नाउन है और प्रॉपर नाउन में हेलन कैलर एंड सोलिवन और ब्रेल ये क्या हैं जी प्रॉपर नाउन हैं बच्चों नेक्स्ट बहुत ही अहम पोर्शन है जी बी डू एंड एज मेन एंड हेल्पिंग वर्ब्स बी डू और हैव मेन वर्ब के तौर तो पर और हेल्पिंग वर्ब के तौर तो पर रीड द फोइंगसेस टू अंडरस्टैंड दूस ऑफ बी डू एंड है प्रोनाउन की मदद से इनको इस्तेमाल करना है अब जरा इधर आ जाए बी डू हैव हेल्पिंग वर्ब है

तो दरहकीकत इज एम आर वॉज वर्ड जो है बच्चों ये बी की कंकर्ड फॉर्म्स हैं ये दर हकीकत बी ही होती हैं लेकिन यहां पर ये प्रेजेंट को और पास्ट को डिफ्रेंशियट करने के लिए इज एम आर प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए वॉज वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ये बी फॉर्म्स ही कहलाती हैं ये देखें आई एम रीडिंग अ स्टोरी इसमें एम जो है ये बी फॉर्म है लेकिन यहां पर एम चूंकि प्रेजेंट में लिखा गया है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर है वी हैड बॉट अ हाउस अब ये हैव की सेकंड फॉर्म हैड है ठीक है जी बच्चों तो यहां पर हमने देखा था हैव लेकिन यहां पर हम हैड इस्तेमाल करें तो मैं इसलिए बता रहा हूं इसी तरह जैसे यहां हमने डिड इस्तेमाल किया तो ये डू की सेकंड फॉर्म है ठीक है जी यू आर गोइंग टू स्कूल यहां पर हेल्पिंग वर्ब है ही हैज रिटन अ स्टोरी इसमें हैज हेल्पिंग वर्ब है दे हैव डिसाइडेड टू गो आउट इसमें हैव हेल्पिंग वर्ब है डिड शी पास हर एग्जाम्स तो इसमें डिड जो है ये बच्चों क्या है हेल्पिंग वर्ब मेक टू सेंटेंसेस यूजिंग बी डू एंड हैव ईच एज मेन एंड एंड हेल्पिंग वर्ब राइट देम इन योर नोटबुक तो मुलायजा कीजिए बच्चों अच्छा बच्चों मैंने कुछ इसमें बनाए हैं कुछ मैंने नहीं बनाए ताकि आप जो हैं उसकी प्रैक्टिस करें ही इज़ अ गुड स्टूडेंट अब इसमें इज़ इस क्या है मेन वर्ब के तौर तो पर है आई एम अ टीचर इसमें भी मेन वर्ब के तौर तो पर है यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क अब इसमें हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर तो पर है आई हैव लॉन्ग हेयर यहाँ पर हैव मेन वर्ब के तौर पर है राशिद डिड हिज बेस्ट ठीक है जी अब इसमें डिड जो है ये मेन वर्ब के तौर तो पर है वी हैव रीच इसमें हैव मेन वर्ब के तौर पर हेल्पिंग वर्ब के तौर तो पर है ही डिड नॉट इंजॉय हिज ट्रिप इसमें डिड जो है बच्चों ये हेल्पिंग uh, वर्ब के तौर तो पर है उसके बाद आ जाए तो अली हैज अट अली हैज़ जो है यहाँ पर मेन वर्ब है शी इज़ प्लेंग इन द गार्डन इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वी आर स्टूडेंट्स यहाँ पर आर मेन वर्ब है दे आर रीडिंग स्टोरी बुक तो इसमें आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके अलावा आप भी मजीद इसकी प्रैक्टिस कीजिए मजीद जुमले बनाएं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो पंक्चुएशन है जी पंक्ुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग फुल स्टॉप हमने फुल स्टॉप का कर इस्तेमाल करना है क्वेश्चन मार्क का एंड एक्सक्लेमेशन मार्क रिमेंबर टू कैपिटलाइज वर्ड्स वे रिक्वायर्ड हमने जहां कैपिटल होना होगा वहां भी भी करना है ये देखें हुरा में एज कैपिटल होगा बच्चों हुरा के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा फिर वी वन द मैच डब्ल्यू कैपिटल होगा और मैच के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन फिर वेयर में डब्ल्यू कैपिटल फ्रांस नाम है एफ कैपिटल होगा सात नाम है एस कैपिटल होगा गोइंग के बाद क्वेश्चन मार्क सात शुरू में आया एस कैपिटल होगा नाम भी है फील्स एम्बेस फॉर हिज रूड बिहेवियर फुल स्टॉप आएगा Uh, उसके बाद है बच्चों डिड यू गेट अप लेट इन द मॉर्निंग तो इसमें डी कैपिटल होगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क तो अब बच्चों हमने क्या करना है जी पैराग्राफ uh, है जी लर्निंग टू राइट राइट नैरेटिव पैराग्राफ ऑन अ ट्रिप दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग टेकिंग हेल्प फ्रॉम द गिवन माइंड मैप तो सबसे पहले ये देखें बच्चों ने पैराग्राफ रिलेट्स रिटेल्स एन इवेंट ये दोबारा बताता है जी एक वाक्य इट हैज बिगनिंग मिडल एंड एंड एंडिंग इसमें आगाज है वस्त है और इख्ताम है तो बच्चों हमारे पास ये एक माइंड मैप है वॉट हैपन क्या हुआ हु आर द कैरेक्टर्स कौन किरदार हैं जी वन एंड वेयर डिड इट टेक प्लेस कब हुआ एनी मैसेज कोई पैगाम प्रॉपर बिगनिंग मिडल एंड एंडिंग अ ट्रिप दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग इसका बच्चों हमने हाँ क्या करना है जी एक पैराग्राफ लिखना है वो मुलाहजा कीजिए जी इट वॉज अ प्लेजेंट डे ऑफ अगस्त ये अगस्त का एक शानदार खुशगवार दिन था वी वर एट होम हम घर पर थे वन माई फादर इन्फॉर्म मी अबाउट द फैमिली ट्रिप टू मरी जब मेरे वालद साहब ने हमें बताया कि फैमिली ट्रिप पर हम मरी जा रहे हैं वी गॉट रेडी विद इन टू आवर्स हम दो घंटों में तैयार हो गए सुन जल्द ही वी वर ऑन रोड हम सड़क पर थे इन अ कार गाड़ी में वी गोट टू पिक ई टेबल्स हम अपने साथ खाने की अशिया उठाना भूल गए विद अस वी बॉट सम समबल्स हमने कुछ खाने की अशिया खरीदी वी इन्जॉयड अलॉट हम बहुत ज़्यादा लुत्फ अंदोज हुए वो इन्जॉय वी रोड चेयर लिफ्ट जब हमने चेयर लिफ्ट सैर की एंड डिलीशियस मील्स और जब हमने मुख्तलिफ खाना खाया तो इसके बाद आप लिख सकते हैं इट वॉज़ वेरी गुड एंड सरप्राइजिंग ट्रिप फॉर मी टू गो गेट रेडी विद इन टू आवर्स ठीक हो गया बच्चों? जी नेक्स्ट है जी राइट एंड पैराग्राफर योर ऑन एनी इवेंट ऑफ योर लाइफ विच यू हैव नैर फोकॉटन जी तो ये आप जरा बच्चों मुलाहिजा कीजिए जी वेन आई वॉज इन क्लास थ्री जब मैं क्लास तीन में था आई वॉज द कैप्टन ऑफ माई क्लास क्रिकेट टीम मैं अपनी क्लास के -के की क्रिकेट टीम का कप्तान था आई वॉज वेरी गुड प्लेयर मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी था वन डे एक दिन माई क्लास टीचर आस्ट मी टू प्ले अ मैच विद अदर स्कूल टीम एक दिन हमारे उस्ताद साहब ने हमें कहा कि हमने मैच खेलना है जी स्कूल दूसरे स्कूल की एक टीम के साथ आर टीम वॉज वेरी एक्साइटेड हमारी टीम बड़ी पुरजोश थी एंडिड वेरी टफ एक्सरसाइज और उसने बड़ी ही सख्त मेहनत मुशक्कत की मैच वॉज स्टार्टेड एट टेन ओ क्लॉक मैच जो था वो दस बजे शुरू हुआ आर टीम वो द टॉस बट इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट हमारी टीम जो थी उसने टॉस जीत लिया मगर सबसे पहले बॉल करने का फैसला किया दीम प्लेड वेल बट दे मेड फिफ्टी रन इन सिक्स ओवर्स दूसरी टीम जो थी बड़ा अच्छा खेली लेकिन पचास रन उन्होंने छ ओवर्स में बनाए आवर टीम वॉज एक्सपेक्टिंग एटी रन हमारी टीम तो तवको कर रही थी अस्सी रन आई केम टू बैट एंड मेड अ ब्रिलियंट थर्टी स्कोर इन जस्ट ट्वेल्व बॉल्स जो मैं खेलने के लिए आया और मैंने तीस रन्स बनाए सिर्फ बारह गेंदों पर वी वर नीडिड ट्वेंटी रन्स इन एटीन बॉल्स एंड आवर थ्री प्लेयर्स व आउट हमारे तीन प्लेयर आउट हो गए थे जी और हमें अट्ठारह गेंदों पर बीस रन चाहिए थे वी वन द मैच विदाउट लूजिंग फर्दर विकेट मजीद विकेट uh, मतलब uh, Uh, मतलब गवाए ज़ाया किए हम ये मैच जीत गए आर टीम प्लेयर्स पुट आउट मी ऑन देयर शोल्डर्स हमारी टीम के uh, जो प्लेयर हैं उन्होंने मुझे अपने कंधों पर बिठा लिया इट वॉज़ अ हैप्पी मोमेंट फॉर मी ये मेरे लिए एक बड़ा ही अच्छा लम्हा था क्रिएटिव राइटिंग है जी हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल ऑफ आर सोसाइटी हम किस तरह मुख्तलिफ uh, uh, जो मज़ूर लोग हैं उनका अपने माशरे में हिफाजत कर सकते हैं उनकी देखभाल कर सकते हैं बच्चों ये क्वेश्चन मुलायजा कीजिए जी हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ डिफरेंटली एबल पीपल ऑफ़ आर सोसाइटी इसका जवाब है बच्चों वी शुड प्रोवाइड दैम ऑल बेसिक फैसिलिटीज़ हमें चाहिए कि हम उन्हें तमाम बुनियादी सहूलतें मुहैया करें दे हैव टू नीड जिनकी उन्हें ज़रूरत है वी शुड लव एंड केयर दैम हमें चाहिए कि हम उनके साथ मोहब्बत और उनकी देखभाल करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारी इस यूनिट सिक्स की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है अब जैसे कि मैंने आपको इस लेक्चर के शुरू में कहा था कि हम रिव्यू टू जो है जो फोर फाइव सिक्स यूनिट्स की जो रिव्यू है वो भी हम साथ ही करेंगे तो वो बच्चों मुलायजा कीजिए जी रिव्यू टू ओरल कम्युनिकेशन लर्निंग द साउंड राइट थ्री वर्ड्स फॉर द गिवन कॉन्सोडेंट क्लस्टर्स जी इनिशियल कॉन्सोडेंट क्लस्टर में एस बच्चों ये स्ट्रेंजर ये देखें एस से इसी तरह स्ट्राइक एस से स्ट्राइक एस टी आर ओ एन जी स्ट्रोंग एस सी आर में है जी स्क्रोल ये देखें एस सी आर स्क्रीन एस सी आर डबल स्क्रीन एस सी आर ई एम एस पी एल में है जी स्प्लैश स्प्लेंडेड स्प्लिट अच्छा जी फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर में देखें पी टी एस है जी टेम्स पी टी एस एडॉप्ट पी टी एस कंसेप्ट पी टी एस एल पी एस देखें हेल्प्स एल पी एस पल्प्स एल पी एस स्कैप्स एल पी एस एम पी एस है जी लैंप्स स्टैम्प्स जम्प्स ये एम पी एस पे ख़त्म हो रहे हैं। नेक्स्ट है जी रीड द गिवन पैराग्राफ एंड अंडरलाइन द वर्ड्स विद डिफॉन्ग्स तो बच्चों ये मैंने अंडरलाइन किए हैं डिफ होते हैं जो दो वॉल्स इकट्ठे एक साउंड दें ग्लाइड के साथ तो वो क्या होते हैं जी डिफ कहलाते हैं अब ब्राइट इसमें क्या होता है बच्चों आइट ये देखें एक ये वॉल होता है और एक ये होता है तो ये दो के साथ मिलकर ब्राइट बनता है इसी तरह डे में आप देखें तो ये देखें इस तरह डे बनता है तो ये जो दो है ये क्या है डिफ है इसी तरह बच्चों प्लेइंग में ये भी यही वाली साउंड आती है ए प्लेइंग ने इसमें क्या होता है बच्चों ये देखें ए अग तो ये यह बन जाता है तो इसमें ये डिफोंग है इसी तरह दे ये ये वाला ए आई दे फिर फाउंड आउ इसमें भी ये देखें ये साउंड होते हैं तो ये डिफ्थोंग है इसी तरह ब्राइट ये वाला सॉइल तो इसमें क्या होता है जी ये देखें ये आ, इसी तरह आउट ये वाला इसी तरह दे फिर ये आ गया फिर सरप्राइज आइज ये इसी तरह गोल्ड ओल्ड तो दे गेव दे प्रेज और देर ये सारे वो अल्फाज हैं बच्चों जो डिफ थोंग से बनते हैं अरेंज द डिस्कशन इन क्लास एंड आज स्टूडेंट टेस देर लाइक एंड डिस अबाउट एनी ऑफ देयर फेवरेट फूड अपनी पसंदीदा खाने के मुतालिक बच्चों आपने क्या करना है जी एक्सप्रेस uh, करना है एक uh, बताना है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों रीडिंग कम्प्रीहेंशन में आंसर द गि क्वेश्चन ये पांच सवाल हैं बच्चों इनके जवाब मुलाहजा कीजिए वॉट इज दाइएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज कौन सा है the निशाने है निशान हैदर जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज है हाउ डाज द पोइट स्टार्ट हर डे शायर अपना दिन का आगाज कैसे करती है शीटार्ट डे बाई ट मूवमेंट टू गो एंड ब्रे एक लम्हा झुक्कर और अल्लाह की इबादत करके वो अपने दिन का आगाज करती हैं राइट द नेम्स ऑफ द सोल्जर्स हु गोट द निशाने हैदर अच्छा जी अब नाम बताने हैं जी आपने उन सिपाहियों के जिन्होंने निशाने हैदर हासिल किया अब तक ये वो ग्यारह फ़ौजी हैं हमारे हीरोज़ जिन्होंने निशान हैदर हासिल किया इनमें हैं जी नायक सैफ अली जंजुआ कैप्टन मोहम्मद सरवर मेजर तुफैल मोहम्मद मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी पॉयलेट ऑफिसर राशिद मिनस मेजर शब्बी शरीफ सवार मोहम्मद हुसैन मेजर मोहम्मद अकरम, लांस नाइक मोहम्मद महफूज कैप्टन कर्नल शेर ख़ान और हवालदार लालक जान तो ये थे जी नाम जिन्होंने अब तक निशान हैदर हासिल किए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड साध मिस ट्रीट फ्राज साध ने फ्रांस के साथ बुरा बर्ताव क्यों किया बिकॉज ही हैड बीन सिलेक्टेड एज अ विकेट कीपर वो विकेट कीपर मुंतखब हुआ बिकॉज ऑफ फिजिकल इशू और साध जो था वो फ्रांस से उसके जिसमानी मसले की वजह से यानी कि माजूरी की वजह से बुरा बर्ताव करता था हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ द डिफरेंटली एबल्ड पर्सन इन आर सराउंडिंग्स हम अपने इर्द गिर्द किस तरह माजूर लोगों की केयर कर सकते हैं वेन वी गिव प्रॉपर रिस्पेक्ट इन आर वर्ड्स हम जब अपने अल्फाज में उनको इज्जत देंगे वी कैन टेक वेरी गुड केयर ऑफ एबल एबल्स ऑफ इन आर सराउंडिंग्स तो हम आ, अपने गिरदो नवा में जो लोग हैं उनकी बड़े अच्छे से हिफाजत कर सकते हैं केयर कर सकते हैं देखभाल कर सकते हैं बस हम उन्हें इज्जत दें जी उसके बाद है जी मेक अ माइंड मैप ऑफ योर फेवरेट पर्सनैलिटी माई फेवरेट पर्सनैलिटी सबसे पहले आप बर्थ उनकी डेट प्लेस एज फैमिली बैकग्राउंड अर्ली लाइफ ठीक है जी अ रीज़न फॉर फेम लाइफ हिस्ट्री करियर क्या था रीज़न फॉर योर लाइकिंग और कंक्लूजन इस माइंड मैप को हम देखकर फेवरेट पर्सनैलिटी जो है उसके ऊपर लिख सकते हैं लैंग्वेज फोकस में आना है बच्चों हमने वो कैबरी बिल्डिंग में सेक्रीफाइस टू ले डाउन लाइफ फॉर नोबल कॉज कुर्बान कर देना किसी मोज काम के लिए यहां पर बच्चों में से एक मिस्टेक हो गई है इसके लिए माजरत हिंडर कहते हैं रुकावट इसका मीनिंग है प्रिवेंट और प्रेज है जी तारीफ करना है टू से नाइस थिंग्स अबाउट समबडी ठीक हो गया जी क्रॉल कहते है हैं रिंगना कहते हैं जी एन एक्ट ऑफ मूविंग ऑन योर हैंड्स एंड नीज और स्टबर्न बोलते हैं जी टू चेंज मतलब रुकावट डालना ठीक है जी ये कहलाता है नेक्स्ट <coughs> है जी रीड द गिवन टेक्स्ट अंडरलाइन द कॉमन नाउन एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन तो ये जो मैंने सर्कल किए हुए बच्चों ये प्रॉपर नाउन है और जिन्हें अंडरलाइन किया है वो कॉमन नाउन है आसिम सर्कल नाउन है आ, सर्कल किया हुआ है ये प्रॉपर नाउन है आसिम इज सलमान कजन कजन उ ने अंडरलाइन किया एंड विजिटेड सलमान आसिम और सलमान ये प्रॉपर नाउन है ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज ही स्टेयर क्या करता है Salman, noun, cat, noun, और उसका नाम है टैफी प्रॉपर नाउन दिजिटेड मजारे का एक प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन स्वारी पाक प्रॉपर नाउन एंड द क्लिफ्टन बीच प्रॉपर नाउन लाइट हॉक्स बे द मोस्ट ये भी प्रॉपर नाउन है ठीक हो गया री राइट द गिवन पैराग्राफ बाई एडिंग फुल स्टॉप ठीक है जी अब हमने क्या करना है जी यहां पर फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क एंड अ कैपिटलाइजेशन इसका इस्तेमाल करना है यहां पर कैपिटल होगा आफ्टर अ फोर आवर्स जर्नी वो फाइनली गॉड देअर यहां पर फुल स्टॉप आ जाएगा आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ यहाँ पर फुल स्टॉप हो जाएगा वाओ डब्ल्यू कैपिटल होगा यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगी वॉट कैपिटल हो जाएगा डब्ल्यू ब्यूटीफुल प्लेस इट इज सेट आई रैन टूवर्ड्स द बीच एज सुन एज वी वेंट दिय स्टॉप आई वॉक ऑन द सॉफ्ट सैंड फुल स्टॉप आई सॉ समीन लिटल टर्टल्स फुल स्टॉप वेयर डब्ल्यू कैपिटल आर दीज टाइनी टर्टल्स गोइंग क्वेश्चन मार्क आई थॉट मैंने सोचा फुल स्टॉप नेक्स्ट द गि प्रपोजिशन ऑफ टाइम इन योर ओन सेंटेंसिस इनको आपने यूज करना है जुमले में माई फादर इज इन हिज रूम मेरे वाले साहब में अपने कमरे में है ओन का इस्तेमाल करना है द स्कूल इज ऑन द लेफ्ट स्कूल जो है वो बाएँ जानब है एट आई स्टे एट माई ग्रैंड पेरेंट्स मैं अपने वाले uh, मतलब दादा दादी के घर रहता हूँ uh, फिर है जी ये देखें टिक द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स इन द सेंटेंस बिलो करेक्ट हेल्पिंग वर्ब चिल्ड्रन प्रोना uh, क्या है जो प्लूरल है आर इस्तेमाल होगा द बॉयज प्लूरल हैं वर् इस्तेमाल होगा आई के साथ एम और इज में से एम इस्तेमाल होता है दे के साथ प्लूरल हैव इस्तेमाल होगा और स्टूडेंट्स ये ज्यादा हैं इसलिए डू इस्तेमाल होगा नेक्स्ट है जी अंडरलाइन द नाउंस इन द गिवन पैसेज देन रीराइट इट बाय चेंजिंग द जेंडर अच्छा जी अब इनको हमने अंडरलाइन करना है नाउन को फिर उनका जेंडर चेंज करना है आई विजिटेड माई ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर हो गया हाउस इन अ विलेज आई वेंट देयर विद माई अंकल अंकल से आंट हो गए एंड नेफ्यू से नीस हो गए ही हैड है अबुल बुलकाओ में चेंज हो गया एंड टू रोस्टर्स मुर्गों को हैन मुर्गियों में चेंज कर दिया ऑफिस फॉर्म आई इन्जॉय विजिटिंग देयर मुझे वहाँ जाना पसंद है आई एट फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स देन आई रिटर्न होम विद माई फादर फादर मदर में चेंज हो जाएगा फिर है बच्चों राइटिंग लर्निंग टू राइट राइट फाइव सेंटेंसेस अबाउट एनी ऑफ द निशान हैदर होल्डर्स फ्राम पाकिस्तान आर्मी जो हमने अभी ग्यारह नाम पढ़े उनमें से बच्चों किसी एक पर आप लिख सकते हैं मैंने एक राशि महाहास है उनका सेलेक्ट किया आप कोई भी लिख सकते हैं राशिद मीनास वॉज बॉर्न इन ऑन सेवनटीन फेबर फिफ्टी वन उन्नीस सौ इक्यावन सत्रह फेबर को पैदा हुए ही वॉज कमीशन एज अ पायलट उनको पायलट uh, मतलब मुलाजमत मिली कमीशन मिला इन पाकिस्तान एयरफोर्स पाकिस्तान फिजाया में इन नाइनटीन सेवनटी वन उन्नीस सौ इकहत्तर में उन्हें कमीशन मिला ऑन ट्वेंटी अगस्त नाइनटीन सेवनटी वन और बीस अगस्त उन्नीस सौ इकहत्तर को ही वॉज द टू टेक ऑफ उन्होंने जहाज उड़ाया एंड हिज प्लेन क्रैश थर्टी टू माइल्स शॉर्ट ऑफ द बॉर्डर और ये पता है उन्होंने क्या किया था जब उन्हें पता लगा कि उनके अंदर एक दुश्मन बैठा हुआ है जो उन्हें गलत गाइड कर रहा है कि इस त्यारे को लेकर चले जाओ तो उन्होंने क्या किया दुश्मन के ऊपर वो त्यारे को गिरा दिया और उन्हें जहनुम वासिल किया और साथ ही जहाँ शहादत नोश किया तो इसलिए हमने उन्हें सबसे बड़ा एज़ाज़ निशान हैदर दिया तो बच्चों यहाँ तक हमारी रिव्यू भी ख़त्म होता है मैं उम्मीद करता हूँ आपको आ, अच्छे से समझ आई होगी कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए खुश रहें खुशियाँ बांटें अपना ख्याल रखें पाकिस्तान का ख्याल रखें अपने बड़ों का अपने वालदेन का अपने साजा कराम का अहतराम करें अल्लाह हाफिज़ो नाशिर